कैटरीना को कार तक छोड़ स्वयं ऑटो से घर पहुंचे सलमान, तस्वीरें वायरल। सलमान खान और कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी अपनी आगामी फिल्मों के प्रमोशन में जी जान से जुटे हैं। इन दोनों सितारों की ट्यूबलाइट और जग्गा जासूस 23 जून और 14 जुलाई को प्रदर्शित होने जा रही हैं। ट्यूबलाइट के जरिए जहां सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से अपनी बादशाहत कायम करना चाहेंगे, वहीं दूसरी ओर कैटरीना अपने करियर ग्राफ को टाइगर जिंदा है से पहले ऊपर उठाने का प्रयास करेंगी। ट्यूबलाइट का निर्देशन जहां कबीर खान ने किया है, जग्गा जासूस का निर्देशन अनुराग बासु ने किया जो इससे पहले मदर और बर्फी जैसी फिल्में दे चुके हैं। हाल ही में महबूब स्टूडियो में अपनी अपनी फिल्मों के लिए मीडिया से रूबरू हुए सलमान और कैटरीना कैफ को एक साथ एक ही समय पर बाहर निकलते हुए देखा गया। बताया गया कि यह दोनों मीडिया से आमना सामना करके आए हैं। मीडिया पर्सन्स को हैरानी उस वक्त हुई जब सलमान खान ने कैटरीना कैफ को उनकी कार तक छोड़ने के साथ स्वयं अपने लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। उस वक्त उनके साथ निर्माता रमेश तौरानी भी थे, जिनके बारे में कुछ साल पूर्व इस बात के समाचार आए थे। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए सलमान खान को 100 करोड़ फीस देकर साइन किया है। हैरानी की बात यह थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से सलमान खान ऑटो द्वारा घर गए। दरअसल सलमान खान रमेश तौरानी के साथ महबूब स्टूडियो से पैदल ही अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट जा रहे थे, जहां रास्ते में उनकी प्रशंसक ने उन्हें रोक लिया। देखते ही देखते वहां पर भीड़ लगने लगी, जिसे देखकर आनन फानन में सलमान ने एक ऑटो रिक्शा को रोका और वे रमेश तौरानी के साथ उसमें बैठकर घर पहुंचे। सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर जिंदा है में एक साथ नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 2012 में एक था टाइगर का सीक्वल है, जिसे कबीर खान ने निर्देशित किया था। टाइगर जिंदा है का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं, जिन्होंने गत वर्ष सलमान खान को लेकर सुल्तान का निर्देशन किया था।